आपने सेवा करने का अवसर प्रदान किया है, सभी को प्रणाम कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है कमेटी वालों को और सभी श्रोताओं को जो कष्ट करके समय नष्ट करके जो यहाँ तक बधा रहे हैं। सभी श्रोताओं के चरणों में हृदय से प्रणाम कर रहा हूँ, सबका आशीर्वाद ले रहा हूँ। हेलो, बहुत बढ़िया भैया, बस बहुत अच्छा है। हमें आप लोग खुद ही समझदार हैं, हमें कुछ कहना नहीं, बस रात भर आप देखते रहिएगा अपने हिसाब से। चलते हैं, हमने वादे वादन में कटौती कर दिया है, आधे सुबह के कार्यक्रम को शीघ्र अतिशीघ्र शुरू कर दिया जाए। तो लीजिए शुभारंभ है। जब भी कोई कलाकार खड़ा होता है मंच पर, जैसा सभी लोगों को विदित है कि सबसे पहले भगवान श्री गणेश और महामाई की वंदना अति आवश्यक होती है, उनकी आराधना अति आवश्यक होती है, तो उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए ये चंद पंक्तियां शब्द सुमन महामाई के चरणों में, बाबा श्री गणेश के चरणों में और आप सबकी सेवा में। जय हो। बोले साचे दरबार की। एक बार अपने दोनों हाथ पर उठाकर बाबा के दरबार में, वहां के दरबार में बैठे हैं तो अपने एक हाजिरी लगा दीजिए जोरदार जयकारे के साथ, अपने हाजिरी हाजिरी लगा दें। बोलो साचे दरबार की, वीर बजरंग बली की, गणेश भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। भगवान की जय। सीधे चलते हैं मामा के दरबार की ओर। हेलो, कहना है माँ मा? के पाप से भरी है ऐ माँ, इस जानकी रमन के जीवन की नैया पापों से भरी हुई है, क्योंकि इंसान का स्वभाव ही ऐसा होता है कि इंसान से अनजाने में पाप तो हो ही जाते हैं, लेकिन इंसान का स्वभाव जान जान कर भी पाप करता है। तो कहना है माँ मा? कि पाप से भरी है अगम्य भंवर में है नाव, तो बन के खिवैया नैया पार तो लगाओ माँ। जय हो। और मैं पात की कुपुत्र हूँ, फिर भी तुम्हारा पुत्र हूँ, तो पावन ये नाता पुत्र माता का निभाओ माँ। के फूल करके मत में मैं तुमको भूल जाता हूँ। जय हो। ऐ माँ, मानो होने के नाते कभी कभी मन में अभिमान आ जाता है, तो कहना है के फूल करके मत में तुमको भूल जाता हूँ, तो मेरे भूल को भुला दो ना मुझको भुलाओ माँ। और जानकी रमन की करुण भरी विनय सुनकर करुणामयी करुणेश्वरी बेग चली आओ माँ। चूंकि जब तक माँ आप नहीं आएंगी ये दोनों कलाकार आपके बगैर बेकार हैं,
तो कहना है माँ कि आप आ जाए तो दोनों मंडल के उसे कार्यक्रम सफल हो जाए। बोलो साचे दरबार की जय। कहना है क्या? हेलो हेलो। और अभिनंदन की श्रृंखला में हमारे जिनकी अहम भूमिका है हमारे भैया संजय सिंह जी, श्री केएस म्यूजिकल ग्रुप जो फिरोजाबाद से पधारे हैं, हृदय से मैं उनका अभिनंदन कर रहा हूँ। केएस म्यूजिकल ग्रुप को मैं नमन कर रहा हूँ भैया संजय भैया, बहुत बहुत धन्यवाद संजय भैया को। और चलते हैं दरबार की ओर। कहना है कि करो कंठ को किले महा जहां था वही करिए। हेलो हेलो हेलो, थोड़ा सा बढ़ाइए। हेलो कहना मैया क्या कि करो कंठ को किले मा कंठेश्वरी हो। और मैं ही नहीं जो जगत के पिता है परमात्मा है वो भी आपकी वंदना करते हैं, फिर भी आपकी वंदना करने में कोई सक्षम नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सक्षम होता तो फिर ये न कहा जाता मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पुस्तम मया देवी प्रभु तदस्मे आवाहनम न जानामि न जानामि सृजनम पूजाम चैव न जानामि क्षमताम परमेश्वरी। तो कहना परम पिता पूजिते महापरमेश्वरी परम पिता पूजिते महापरमेश्वरी हो परम पिता पूजिते महापरमेश्वरी हो। कहना भैया क्या ये प्रथम शत्रुपी सुमन आपके चरणों में समर्पित है भैया। कहना है हेलो, उसके बाद थोड़ा साफ करें क्लियर करें, आवाज साफ नहीं आ रही है। जो मैं कहना चाहता हूं ये मेरी बात आप सब तक पहुंच जाए बस इतना कर दीजिए। हेलो बस आवाज थोड़ा बढ़िया बज रहा, थोड़ा सा आवाज साफ कर दीजिए ताकि सबको समझ में आए कि मैं क्या कह रहा हूँ। हेलो जो रिपीट है रिपीट कम करके इसका वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। हेलो हाँ हेलो बस रिपीट कर, आवाज थोड़ा बढ़ा दीजिए। कहना है कि शब्द सुमन साधे शब्द सुमन सादर सुमन सादर मशारद समय पे हो। शब्द सुमन सादर मशारद समय पे ते भक्ति भावना भावभूषण है भावभूषण है देव मा तो भुवन भाल भूषण मा भुवन भाल भूषण मा भुवनेश्वरी हो भुवन भाल भूषण मा भुवनेश्वरी हो परम पिता पूजित मा परमेश्वरी हो।
करता पोज देवा परमेश्वरे हो परम पिता पोज देवा परमेश्वरे हो। कहना है माँ कि वो कौन है जो तेरी रहमत का तलबगार नहीं, वो कौन है जो तेरी रहमत का तलबगार नहीं, ऐ मेरी माँ तेरी रहमत का कुछ सुमार नहीं, तो कहाँ जाऊँ कि मैं आपके शरण में आ गया हूँ, कहाँ जाऊँ और कौन सी चौखट देखूँ, क्योंकि तेरे दरबार से अच्छा कोई दरबार नहीं। क्या बात है, कहना भैया भैया कहना कि कभी गुड़ी गायत कभी गुड़ी गायक हो है लायक तुम्ही से हो। क्या बात है बाबा, कहना है कि कभी गुड़ी गायक है लायक तुम्ही से और गणपति गजानन विनायक तुम्हें तो कहना मैया कि आगम अगोचर अखिलेश्वरी हो परम पिता पूजित माँ परमेश्वरी हो परम पिता पूजित माँ परमेश्वरी हो अंतिम पंक्ति में कहना है क्योंकि माँ की वंदना जितनी की जाए उतनी कम है, माँ की वंदना जो कभी वंदना की जाए लेकिन वंदना को बंद करना पड़ता है। कहना है कहना है कि स्वर ताल ले छंद ये क्या बन रहा बाबा है भाई, हमारे छोटे कलाकार बैठे भी हैं, लगे रहो मुन्ना भाई। क्या बात है, कहना भैया कभी गुड़ी गायक हो ऐ मां के स्वर ताल ले छंद और स्वर गम मेराजे स्वर ताल ले छंद और स्वर गम मेराजे और भाषा भाव से स्वर छंद ले ताले और स्वर गम में राजे तो भाषा भाव से ली में आप ही विराजे ओ मां तो वाणी मधुर कर के वाणी मधुर कर मां बागेश्वरी हो योगेश्वरी हो परम पिता पूजित परम पिता पूजित परमेश्वरी हो परम पिता परम पिता पूजित माँ पर
हो साचे दरबार की जय हो। ये जो बॉक्स लगे इनकी वापसी दीजिए आप, वापसी नहीं मिल रही। और एक बार चाहूंगी जितने भी हमारे महान भाव दादा भैया लोग यहाँ पर पधारे हैं, मैं चाहती हूँ एक बार जो भी दरबार में बैठे हैं और जिनको बाबा ने दो हाथ दिए हैं, एक बार सभी लोग अपने अपने दोनों हाथ उठा करके एक बार जोरदार जयकारा बाबा का लगा दें। जिनको दिए, जिनको दो हाथ मिले वही उठाएंगे, जिनको दो मिले दोनों उठा ले, एक मिले एक उठा ले, नहीं मिले कोई बात नहीं। जिनको नहीं मिले वो खड़े हो जाएंगे ईमानदारी से। दादा आपको नहीं मिलेगा? हाँ आप ही से बोल ले। मिले जरा जयकारा जोर से बोलिएगा, बोल भद्रंग बली बाबा की, बोल सच्चे दरबार की, दरबार की, दरबार की, बोलो सच्ची सरकार की। बहुत बहुत धन्यवाद है। गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। या कुंदेन तुषारहार धवलाया शुभस्त्रावृता, या वीणावर्धन मंडितराया श्वेत पद्मा, निशेष जाड्या भक्त माँ के दरबार में जाने के लिए तमाम जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जब तमाम भक्त होते हैं तमाम इच्छाएं भी हो जाती हैं। और क्या? कोई दरबार से बंगला गाड़ी मांग रहा है, कोई धन दौलत मांग रहा है, कोई अपने लिए सत्ता मांग रहा है, तो कोई संतान मांग रहा है। लेकिन माँ आप स्वर की देवी हैं और कलाकार की जननी हैं आप। मैं आपके दरबार में आई हूँ लेकिन आपसे बंगला गाड़ी धन दौलत मांगने नहीं आई हूँ, क्योंकि आपका दिया हुआ सब कुछ हम बच्चों के पास है माँ। और आज दरबार में आई हूँ तो आपसे निवेदन क्या कर रही हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि वंदना गाने के लिए वैसे तो कोई फिल्मी धुन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कभी कभी कुछ गीत ऐसे आ जाते हैं कैसे बेटे कैसे, जो मानो अपने आप में एक वंदना के समान हो जाते हैं। तो एक गीत बजा था कौन सा और गाया गया, क्या गाया गया? या बात।
आइए अधिक समय ना लेते हुए बहुत ही कम समय में माँ के चरणों में ये छोटा सा वंदन गीत समर्पित कर रही हूँ और कह रही हूँ माँ क्या बेटा आपके तमाम नाम है तमाम रूप है मैया और हम बच्चों के अंदर इतना सामर्थ इतनी क्षमता तो नहीं है कि मैं आपके सारे नामों का वर्णन कर पाऊँ आपके सारे नामों का गुणानुवाद कर पाऊँ बिल्कुल लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रही हूँ और कहना है माँ क्या? क्या? और आज की रात आप जहां कहीं भी हैं आप चली आइए और आकर के मेरे मंच पर विराजमान होकर के हम बच्चों की रक्षा करिए मां लाज बचाइए तो कहना है क्या क्या के ही हमें बस जा स्वर सरिता से एक लोटा जल भर के तुम्हें चढ़ाऊं स्वर सरिता से एक लोटा जल भर के तुम्हें चढ़ाऊं क्योंकि माँ